फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कंप्लीट ब्लाउज का ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज रहेगा ये, और इसमें पूरा डिटेल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब सारी ही चीज़ें क्लियर करूँगी और नेक बनाना भी बताऊँगी आपको। तो यहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं 34 साइज़ का बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज। अगर आप किसी अलग साइज़ का बनाना चाहते हैं तो आप मेज़रमेंट चेंज करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 34 साइज़ का मेज़रमेंट हम जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। अगर आप इसे किसी अलग साइज़ में बनाना चाहते हैं तो चार्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। अपने साइज़ का मेज़रमेंट आप जान सकते हैं। और फ्रेंड्स, डीप नेक का चार्ट भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। तो सबसे पहले देखिए, हमने कपड़े को एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से सीधा किया है, एक्स्ट्रा जो तिरछा फैब्रिक था उससे कट कर दिया है। और यहाँ पर देखिए, जितना भी मेज़रमेंट आपको जितना भी लेंथ लेना है उतना आप लेंथ लीजिएगा ब्लाउज़ में, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके। मैं यहाँ पर 13.5 इंच तैयार रखूँगी, तो उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 14.5 इंच पर मैंने एक मार्किंग कर ली है। कपड़े का बंद भाग मैंने अपनी तरफ रखा है और सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इसमें बोट नेक के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर लिए हैं 7 इंच, 7 इंच शोल्डर लिए हैं, 7 इंच आर्म होल्स लिए हैं। यहाँ से हम चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे 8.5 इंच, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं मार्जिन का। मार्जिन आप चाहें अगर तो 2 इंच तक आप ले सकते हैं ब्लाउज़ में। और इस तरीके से देखिए, हमने आर्म होल की गोलाई दे देनी है। कमर है 28 इंच, उसका 4th पार्ट ले लेंगे हम 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन का। 1/2 इंच देखिए, हमें शोल्डर को डाउन करना है, ये हम बोट नेक ब्लाउज़ में करते हैं। कमर है 28 इंच, उसका 4th पार्ट ले लेंगे 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और 1 इंच हम एक्स्ट्रा और लेते हैं जो बैक पार्ट में हम प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए। तो इस ब्लाउज़ को अगर आप चाहें तो बैक ओपन भी बना सकते हैं, चाहें तो फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं। आज मैं बैक ओपन के मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी सारे वीडियोस शेयर किए हुए हैं, आज मैं आप लोगों के साथ फ्रंट ओपन का वीडियो शेयर कर रही हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का 34 साइज़ का। अगर आप किसी अलग साइज़ का देखना चाहते हैं तो चैनल पर बोट नेक के काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड हैं, बोट नेक डिज़ाइन के आप देख सकते हैं अलग अलग साइज़ के। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे कट कर दिया है। मैंने ऊपर से अभी शोल्डर डाउन नहीं किया है, वो हम फ्रंट और बैक का दोनों साथ में ही करेंगे। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है। इसे आप चाहें तो ओपन तरफ से भी कट कर सकते हैं, क्योंकि इसे हम फ्रंट ओपन ही बना रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर नीचे से कपड़े को सीधा करूँगी कट करके। तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करके पहले कपड़े को सीधा किया, फिर उसे कट कर दिया। तो नीचे से हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा हो गया है, और ये कपड़ा सीधा होना ज़रूरी होता है नीचे से। इसके बाद हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अगर आप किसी भी साइज़ का बनाते हैं तो आपको 1/2 इंच लेंथ में एक्स्ट्रा लेना है। फ्रंट पार्ट में हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है इस तरीके से, और एक लाइन ड्रॉ करके नीचे की तरफ इसे मिला देना है। इसके बाद क्या करना है आपको, 1/2 इंच इस तरफ से लेना है अपनी तरफ से। ये लेते हैं हम हाई हुक की पट्टी के लिए, तो इसे भी आपको नीचे तक मिला देना है इस लाइन को नीचे से। और यहाँ से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद हमने बैक पार्ट को रख देना है इसके ऊपर अच्छे से, और ये जो एक्स्ट्रा लिया है उसे छोड़ते हुए रखना है आपको। इसके बाद आप कोई भारी चीज़ इस पर रख लीजिए और एज इट इज़ इसे मार्किंग कर लीजिए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है मेरा यहाँ पर ब्लाउज़ कटिंग करने का, इससे हमारा टाइम भी बच जाता है और परफेक्ट यहाँ पर आपकी कटिंग भी हो जाती है। तो हमने बैक पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर ली है इस तरीके से। अब हमें यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है प्रिंसेस कट के लिए। आर्म होल्स तरफ से लिया है मैंने 1 इंच, और नीचे कमर की तरफ से लिया है 1.5 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच तक आप ले सकते हैं, पर आपको यहाँ पर जो मार्जिन है वो कम नहीं लेना है। ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, हमने जो ब्लाउज़ का मार्जिन रखा है उसके अलावा, ये हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में रखना होता है। आर्म होल्स तरफ से मैंने 1 इंच लिया है, और नीचे कमर की तरफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर देखिए, आर्म होल्स को हम बराबर कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट कटिंग हो चुके हैं, फ्रंट और बैक के। अब हमें 1/2 इंच का शोल्डर को डाउन कर देना है, 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं करना है। ये हमने शोल्डर को डाउन कर दिया है। अब हम अपने बैक पार्ट को हटा लेंगे, बैक पार्ट को हटा लेना है, और फ्रंट पार्ट का हमें मार्किंग करना है। उससे पहले मैं यहाँ पर नेक का मेज़रमेंट ले रही हूँ,
तो हाफ इंच जो फ्रंट पार्ट का है उसे छोड़ते हुए मैंने 3.5 इंच पर मार्क किया है, क्योंकि आज हम इसे बना रहे हैं फ्रंट का नेक डीप रख के। मैं इसमें एक चीज़ और बताना आपको भूल गई, अगर आप फ्रंट का नेक डीप रखना चाहते हैं तो आपको गले की चौड़ाई अपने ब्लाउज़ की कम रखनी होती है। अगर आप फ्रंट का नेक डीप रखते हैं तो आपको 3 इंच या फिर 3.5 इंच ही नेक विड्थ रखनी होती है बोट नेक ब्लाउज़ में। अब देखिए, हम हाफ यहाँ पर 0.25 इंच डीप नेक में हम हाफ इंच लेते हैं और बोट नेक ब्लाउज़ में 0.25 इंच आपको अंदर की तरफ करते हुए आर्म होल की गहराई करनी है। पर इस गहराई को अभी हम कट नहीं करेंगे, यह हम स्टिचिंग के समय पर करेंगे जब प्रिंसेस कट का पार्ट हम अटैच कर लेते हैं। इसके बाद गले का मेजरमेंट लेना है, तो आप हम यहाँ पर जो नेक विड्थ है उसे हमने कम रखा है, तो यहाँ पर गले की जो लेंथ है वो मैं 6 इंच रख रही हूँ। अगर आप चाहें तो 6.5 इंच तक ले सकते हैं। और नीचे से भी मैंने जो नेक की विड्थ रखी है वो 3.5 इंच ली है, और यहाँ से भी मैंने ऊपर से भी नेक की विड्थ 3.5 इंच ली है। इसे हम कट नहीं करेंगे, इसे हम बहुत ही फिनिशिंग के साथ पेपर पेस्टिंग के साथ बनाएंगे। यहाँ से आपको जो भी मार्किंग करनी है वो हाफ इंच छोड़ते हुए करनी है। यहाँ पर आपको लेना है 3.5 इंच 3.5 इंच, ऊपर से टक्स पॉइंट रखना है 10.5 इंच पर, और ये जो टक्स पॉइंट वाली लाइन है इसे लाइन ड्रॉ करके आपको सीधा कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको मेज़रमेंट लेना है, ये मेज़रमेंट आप लीजिएगा 3.75 इंच पर। आपको 0.25 इंच मेज़रमेंट लेना है, नीचे से 3.5 लिया है, ऊपर से 0.25 इंच लिया है, और इस लाइन को आपको आर्म होल की तरफ मिला देना है इस तरीके से। यहाँ से आपको लेना है 1.5 इंच 1.5 इंच, और लेंथ में लेना है आपको 2 इंच इस तरीके से। विड्थ में लिया है 1.5 इंच और लेंथ में लिया है 2 इंच। हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप बना लेना है, हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हुए इस तरफ से आपको मार्किंग करनी है। तो ये मार्किंग हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कर ली है, और अब हमने इसे इस तरीके से कट कर देना है। प्रिंसेस कट वाले पार्ट को आपको इस तरीके से कट करना है। ये देखिए, तो ये प्रिंसेस कट पार्ट की कटिंग भी हमारी हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको स्लीव्स कटिंग करना बताऊंगी। अच्छे से शेप आपको यहाँ पर दे देना है। आर्म होल की गोलाई मैंने बताया आपको कि स्टिचिंग के समय पर कटिंग करेंगे हम। सभी पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कटिंग हो गए हैं, और यहाँ पर मैं आपको बैक नेक भी बता देती हूँ। वैसे मैं आपको पेपर पेस्टिंग पर बताऊँगी, पर मैं एक बार आपको ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ। नेक विड्थ रखी है 3.5 इंच, नेक लेंथ ली है 10 इंच। आप चाहें तो बैक की जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ऊपर से 3 इंच पर एक छोटा नेक ड्रॉ करेंगे, और नीचे की तरफ हम वाटर ड्रॉप जो नेक डिज़ाइन होता है उसे बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन बोट नेक में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ये बहुत ही चलता है, बोट नेक में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, और पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो हम बहुत ही ईजी तरीके से आज इस नेक डिज़ाइन को बनाएंगे। नेक हमने ड्रॉ कर लिया है, इसके बाद ऊपर से 1/2 इंच छोड़ देना है, और 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए आपको आर्म होल को नापना है। वो इस तरीके से नापना होता है, देख सकते हैं आप मैंने यहाँ पर किस तरीके से नापा है। मेरा आर्म होल आ रहा है यहाँ पर 7 इंच, आर्म होल आ रहा है 7 इंच, उसमें 1/2 इंच हमें प्लस कर देना है। 7.5 इंच ले लेंगे। 1/2 इंच इसलिए हम प्लस करते हैं क्योंकि फ्रंट आर्म होल की जब हम गहराई करते हैं तो वो बढ़ जाता है, हमारी स्लीव्स छोटी ना पड़े इसलिए हमने आर्म होल को 1/2 इंच बढ़ा लिया है। कपड़े को आपको फोल्ड कर लेना है, कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ रखना है। जितना बड़ी भी आप स्लीव्स बनाना चाहें उतना आप कपड़ा लीजिएगा। मैंने यहाँ पर रखी है स्लीव्स की लेंथ 4.5 इंच, और यहाँ पर जो हमने 7.5 इंच का आर्म होल नापा था वो ले लिया है, और एक बॉक्स बना लिया है 7.5 इंच का। इसके बाद हमें डाउन करना है इसे 2.5 इंच पर। अगर आप बड़ी स्लीव्स बनाते हैं 7, 8 या 9, 10 इंच की, तो आपको 3 इंच पर डाउन करना है। छोटी स्लीव्स बना रहे हैं तो 2.5 इंच पर डाउन करना है। हल्के हाथों से आपको स्लीव्स का शेप दे देना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन का। मार्जिन आप जितना ब्लाउज़ में रख रहे हैं उतना ही आपको स्लीव्स में रखना है। मैंने ब्लाउज़ में भी 1.5 इंच का रखा है, स्लीव्स में भी हमें 1.5 इंच ही लेना है। स्लीव्स राउंड है हमारा 12 इंच, उसका हाफ ले लेंगे 6 इंच, और इस तरीके से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमारी स्लीव्स भी यहाँ पर कटिंग हो चुकी है, और अब हमने फ्रंट पार्ट की जो गहराई देते हैं स्लीव्स में वो कट कर लेना है।
तो हल्की सी आपको हाफ इंच या उससे थोड़ी कम पे ही आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने हाफ इंच की स्लीव्स की गहराई दे दी है, साथ ही साथ मैंने मार्किंग भी कर ली है ताकि स्लीव्स जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि पार्ट हमें फ्रंट में लगाना है। सभी पार्ट कंप्लीट कटिंग हो चुके हैं, इन्हें मेन फैब्रिक पर रखकर भी मैंने कट कर लिया है। ये देखिए सारे हमारे पार्ट कटिंग हो चुके हैं और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये पेपर पेस्टिंग है जो मैंने नेक के लिए लिया है, एक फ्रंट के लिए है और एक बैक के लिए है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको इसमें फिटिंग कैसे लगानी है ब्लाउज़ में वो भी बताऊंगी मैं आपको। और सबसे पहले हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को सिलाई लगाकर यहाँ पर अटैच कर लेंगे। चारों तरफ से सिलाई लगा देना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके निकाल देना है। इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक आप कट करके निकाल दें। दोनों पार्ट आपको इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको दोनों ही पार्ट तैयार कर लेने हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है और दोनों ही पार्ट तैयार कर लिए हैं। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आगे का पार्ट तैयार करना है। इसे मैंने बीच में से ओपन कर लिया है। दोनों पार्ट को आपको इस तरीके से रेडी करना है, चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लें आप और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। मैं मेन फैब्रिक हमेशा थोड़ा बड़ा कर ही कट करती हूँ ताकि इसे जोड़ने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है और दोनों ही पार्ट हमने इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हमें गला बनाना है, तो गले के लिए हम इस तरीके से पहले तो मैं पेपर पेस्टिंग को सीधा कर लूँगी कट करके। और यहाँ पर देखिए पेपर पेस्टिंग के बंद भाग से हमें गले की चौड़ाई नाप लेनी है। तो हमारा जो फ्रंट नेक है उसका हमने हाई हुक की पट्टी का हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो इसे काउंट करते हुए ही आपको मार्किंग करनी है, जैसे कि 4 इंच। तो 4 इंच पे हमने यहाँ पर विड्थ ले ली है, लेंथ ले लेंगे 6 इंच पर। आपका आगे के नेक का जितना भी लेंथ होगा वो आप ले लीजिएगा और यहाँ से इस तरीके से 1.25 या 1.5 इंच पर आप मार्क करें, क्योंकि बोट नेक में हमें गहराई को ज़्यादा फैलाना नहीं है, नहीं तो आपका जो नेक है वो लूज़ हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हम 1/2 इंच नेक भी विड्थ का छोड़ देंगे। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि नेक को ज़्यादा फैलाना नहीं है नीचे से। बोट नेक में लेंथ अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं नेक की, तो आपको इसकी ब्रॉडनेस कम ही रखनी है। और गले की चौड़ाई का आप ध्यान रखें कि गले की चौड़ाई आप कम लें, 3 या 3.5 इंच ही लें फ्रंट का नेक अगर डीप रख रहे हैं तो। हमने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रख लिया है यहाँ पर और अब हम सिलाई लगा कर इसे अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो प्रेस से चिपका सकते हैं, मैंने सिलाई लगा दी है और पेपर पेस्टिंग को अटैच कर दिया है। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करके निकाल देंगे और एक तरफ से इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने से पहले हम कट लगा लेंगे, कट लगाने से इसे फोल्ड करने में ईजी रहता है और दूसरा पैटर्न भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पैटर्न तैयार कर लिए हैं, तो हम इस तरीके से नेक को अटैच करेंगे। मैं आपको एक तरफ का नेक अटैच करके दिखा रही हूँ, आपको सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का भी करना है। यहाँ पर आगे की तरफ से आपको इसे ठीक तरीके से बराबर करके पिन लगा लेनी है। और यहाँ पर देखिए पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए आपको एक सिलाई लगानी है कॉर्नर की। ये सिलाई मैंने लगा दी है, इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए और पूरे ही नेक पर छोटे छोटे से कट लगा देंगे। इस तरीके से कट हमने लगा दिए हैं, अब हम एक सिलाई इस तरफ करके गले की पट्टी के ऊपर लगाएंगे, फिर हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें नेक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो ये नेक हमारा बनके रेडी हो गया है, दोनों नेक मैंने इसी तरीके से बना लिए हैं और आप देख सकते हैं इसमें फिनिशिंग कितना अच्छा आया है। इसके बाद हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। तो हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि प्रिंसेस कट पार्ट को आप नीचे से ही जॉइंट करें, ऊपर से कभी भी ना करें। ये नीचे से जॉइंट करने पर बिल्कुल बराबर से बैठता है। तो नीचे से हमने इसे जॉइंट किया है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो यहाँ पर देखिए हमने एक पार्ट को जॉइंट कर लिया है,
सेम इसी तरीके से मैं आपको दूसरा पार्ट भी जॉइंट करके दिखाती हूँ। तो ये वाला पार्ट भी हमें नीचे से ही जॉइंट करना है, ऊपर से नहीं करना है। अगर हार्मोन्स तरफ से आपका कोई भी पार्ट बड़ा छोटा होता है तो हम उसे गहराई करके बराबर कर देंगे। दोनों पार्ट की गहराई मैं अलग अलग दे रही हूँ इस तरीके से। पौना एक इंच अंदर की तरफ करते हुए मार्क करना है, जैसे कि मैंने आपको कपड़े पर बताया था, सेम उसी तरीके से। और यहाँ पर हम इसे सिलाई लगाकर पैक कर देंगे। दूसरी तरफ का पार्ट भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। और अब हम लगाएंगे हाई और हुक की पट्टी। तो आपको हाई हुक और हुक की पट्टी जो है वो आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। मैंने हाई की पट्टी इस तरफ लगाई है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जितना मार्जिन आपने लिया है हाफ इंच, उतना कवर करते हुए ही आपको हाई की पट्टी और हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर किस तरीके से पट्टी को अटैच किया है फिनिशिंग के साथ, उसी तरीके से करना होता है। पट्टी को इस तरफ करते हुए, ऊपर की तरफ करते हुए हम सिलाई लगाकर इसे कवर कर देंगे। अब एक सिलाई हम इस तरफ से लगा लेंगे ताकि हमारी जो पट्टी है वो उठी हुई ना लगे। ये देखिए, और इस तरफ लगा लेंगे हम यहाँ पर हुक की पट्टी। हुक की पट्टी को मैंने डबल फोल्ड करके लिया है। अगर आपके पास कपड़ा नहीं होता है तो आप सिंगल फोल्ड करके भी ले सकते हैं। अब पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। और इसके बाद हम दोनों पार्ट को बराबर करके चेक करेंगे कि कहीं से कोई पार्ट हमारा बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो देखिए नीचे से आपको इस तरीके से कट करके बराबर करना होता है। ये पार्ट हमने बराबर कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पर अटैच करेंगे कमर पट्टी। तो इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा कपड़े में से कमर पट्टी निकाल लेनी है 1.5 इंच चौड़ाई में, और उसे इस तरीके से अटैच कर देना है। नीचे भी आपको 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए ही अटैच करना है। और एक सिलाई इस तरफ करते हुए पट्टी को पट्टी के ऊपर लगा लीजिएगा। अब इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके हम यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। और दूसरी तरफ कमर पट्टी इसी तरीके से लगाना है। फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। बैक नेक आप देख लीजिए, नेक की विड्थ रखनी है 3.5 इंच, और नेक की लेंथ ली है मैंने 10.5 इंच, 10.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। ऊपर की तरफ एक छोटा नेक ड्रॉ करेंगे, नीचे की तरफ इस तरीके से करेंगे। साइड से 1 इंच आप एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लें। ये देखिए, 1/2 इंच आपको ऊपर की तरफ से नेक विड्थ को छोड़ते हुए कट कर लेना है। और इस तरीके से देखिए हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसे बीच में से ओपन कर लेंगे और दोनों ही तरफ हम पिन लगा लेंगे। दोनों ही तरफ आपको इस तरीके से पिन लगाने हैं ताकि इसका जो जॉइंट है वो दोनों बिल्कुल बराबर से आए। और अब हम यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देंगे। तो एक कॉर्नर की सिलाई लगाने पर ये बहुत ही अच्छी तरीके से अटैच हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट करके निकाल देंगे। और यहाँ पर सिर्फ इतना ही कपड़ा आपको रखना है जितना कि आपको फोल्ड करना है। दोनों तरफ इस तरीके से कट लगा लें और पूरे ही नेक पर इस तरीके से कट लगा लें ताकि कपड़ा हमारा इजीली फोल्ड हो जाए। अब आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है, इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है फिनिशिंग के साथ। नेक को हमें साइड से फोल्ड कर लेना है। तो हमारा ये जो बैक नेक है वो भी रेडी हो गया है। ऊपर तक हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब हम करेंगे इसका सेंटर मार्किंग। तो इस तरीके से आपको इसे पहले तो डबल फोल्ड कर लेना है, नाखून से क्रिस बना लेनी है, और इस तरीके से ऊपर की तरफ सीधा सीधा मार्क कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर बैक पार्ट को जॉइंट कर लेना है अस्तर और कपड़े के साथ। तो हम इसे पहले सिलाई लगाकर अच्छे से फिनिशिंग के साथ जॉइंट कर लेंगे।
इसके बाद हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट करके निकाल देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर इसे डबल फोल्ड कर लेना है और बैक पार्ट का भी कर लेंगे हम सेंटर मार्किंग। ऊपर और नीचे की तरफ आपको एक छोटा कट लगा देना है, उसके बाद इसका सेंटर में मार्क कर लेना है इस तरीके से चौक के साथ। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए आपको एक रफ स्टिच लगा लेनी है, नेक को मिलाते हुए रफ स्टिच लगा लेनी है। और अब हमने जो हमारा नेक है उसके अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेनी है। तो पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई आपको लगानी है इस तरीके से, ये देखिए। इसके बाद एक सिलाई हम इस तरफ लगा लेंगे और इस तरीके से बिल्कुल शेप बनाते हुए। सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट करके निकाल देंगे, ये देखिए इस तरीके से। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट करके निकाल देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से कट लगा देना है। कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा में उसे कट कर देना है ताकि हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाएं। अब हमें कोई भी नोक वाली आप चीज़ ले लीजिएगा, मैं यहाँ पर मोटी वाली सुई ले रही हूँ। हल्का हल्का हम इसे प्रेस करेंगे तो हमारा जो कॉर्नर है वो निकल जाएगा अच्छे से। और नेक की पट्टी को आप अंदर की तरफ फोल्ड कर लें, अगर आप चाहें इसे इस पर फिनिशिंग के लिए प्रेस भी कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग से नेक हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। या फिर आप हाथ से भी फिनिशिंग कर सकते हैं, हल्का हल्का अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो देखिए बहुत ही ईजीली कॉर्नर यहाँ पर निकल जाएंगे। दोनों तरफ के कॉर्नर मैंने निकाल लिए हैं इसी तरीके से और ये नेक बनके हमारा रेडी हो गया है। देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है नेक में। ऊपर फिनिशिंग की सिलाई अभी मैं नहीं लगा रही हूँ, वो हम शोल्डर को जॉइंट करने के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से देखिए दोनों तरफ से प्लेट्स डाल लेनी है। प्लेट्स डालने के बाद हमें नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेनी है, इस तरीके से कमर पट्टी लगा लेंगे हम। कमर पट्टी लगाकर हमने इसे कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हम करेंगे इसके शोल्डर को जॉइंट। तो आगे से जो गला पट्टी है उसे बाहर निकालना है आपको और शोल्डर को जॉइंट करना है। तो देखिए आपको जो बैक पार्ट है उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखना है, ऊपर से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगानी है। देख सकते हैं आप मैंने किस तरीके से सिलाई लगाई है। फिर पट्टी को आपको इसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट कर देना है। दूसरी तरफ का पार्ट भी आपको इसी तरीके से करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिशिंग से आपके शोल्डर जॉइंट हो जाएंगे ब्लाउज के। अब हमें ऊपर की तरफ फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो शोल्डर को जॉइंट करने के बाद हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे और तैयार करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद अंदर की तरफ जो गला पट्टी है हमारी आगे और पीछे की तरफ उस पर आपको हाथ से तुरपाई कर लेनी है। पूरी ही नेक पर आपको सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए नेक हमारा रेडी हो गया है यहाँ पर। और अब हमने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है, जैसे कि हम यहाँ पर बैक पार्ट का करेंगे सेंटर मार्किंग, उसके ऊपर रखना है आपको फ्रंट पार्ट को। यहाँ पर आप पिन लगा लीजिए और फिर साइड से आपको चेक करना है कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। आर्म होल से भी अगर कोई पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो कट करके बराबर कर लें। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ का पार्ट भी चेक करना है, ये फिटिंग से पहले हमें करना होता है। दोनों पार्ट हमने चेक कर लिए हैं, कोई भी पार्ट हमारा बड़ा छोटा नहीं है। थोड़ा बहुत भी अगर लगता है आपको तो आप उसी समय कट करके बराबर कर लें। और अब आप इस तरीके से स्लीव्स को जॉइंट कर लें। स्लीव्स रेडी कर लेनी है हमें। ऊपर से एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे हम स्लीव्स पर, साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे और इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देंगे। स्लीव्स हमने रेडी कर ली है और अब हम इसे सेंटर से जॉइंट करेंगे। यहाँ पर भी आप आधा इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव्स को जॉइंट करें।
सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से करना है और हमेशा सेंटर से ही स्लीव्स को जॉइंट करें। स्लीव्स के सेंटर में कट लगा रहे उसे शोल्डर के ऊपर रखकर आपको जॉइंट करना है। दूसरी तरफ की स्लीव्स भी इसी तरीके से कर लेना है। अब यहाँ पर आपको ब्लाउज़ के सीधी तरफ एक गुम सिलाई लगानी होती है स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए। ये सिलाई हमारे ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है, गुम सिलाई होती है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से आपको कर लेना है। अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो पहले मैं एक सिलाई इस तरफ लगा लेती हूँ कॉर्नर की। इसके बाद अच्छे से आप ब्लाउज़ को अपना प्लेन कर लें और यहाँ से हाई की पट्टी को छोड़ते हुए मार्क करना है आपको चेस्ट और वेस्ट का। चेस्ट का लिया है 8.5 इंच, कमर का लिया है 7 इंच और यहाँ से हमने स्लीव्स राउंड रखा है 6 इंच। आपका कमर का और स्लीव्स का जो भी मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा। और देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा लेनी है फिटिंग की। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी फिटिंग कर लेना है। यहाँ पर बटन और लूप लगा लेने हैं और ये ब्लाउज़ बनके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।